ये देखिए मैं दबा रहा हूँ, भी दिखा देता हूँ मोटर वगैरह, गियर बॉक्स वगैरह। ये देखिए मोटर भी हैवी है, ये 80 वाट की मोटर है इसमें। आगे हो गया, मैं बंद करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका यहाँ से पाउच लगेगा, हमने पाउच लगाया, सील नहीं किया, हमने पाउच लगाया और सील नहीं किया। ये कंटिन्यू बैंड सीलर मशीन है, ये कंटिन्यू बैंड सीलर मशीन है, मॉडल WPM 900 है, देख सकते हैं। ये ऑन ऑफ वाला बटन है, ये देखिए ऑन करेंगे इसमें लाइट जल जाएगा, देखिए चलने लगा, कन्वेयर चल जाता है ऑन करते के साथ में ही। ये देखिए कन्वेयर चल गया। सेकंड आप इसका आप हीटर चला सकते हैं, पाउच सील करना है तो फिर इसका फैन चला सकते हैं। अभी देखिए ये चलने लगा, चल रहा है ना ये। आप इसकी स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अब ये देखिए अभी स्लो चल रहा है, आप फास्ट भी कर सकते हैं। देखिए तेल तेज चलने लगा, देखिए फास्ट भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी स्पीड है इसकी, 1 मिनट में 12 मीटर चलने की स्पीड है इसकी। ये देखिए इससे आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने इसको 100 पे कर दिया, अब ये 100 टेम्परेचर पे आके इसका रेड लाइट जल जाएगा, तो आपका हीटर ये आ गया, टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर आ जाएगा तो आप इसे पाउच को आप इसमें लगा सकते हैं। ऐसे ही आप इसको 200 भी कर सकते हैं, जितने भी आपको सेट करना है उतना भी करते हो, मैक्सिमम आप 300 सेट कर सकते हैं। मैंने इसको 200 कर दिया सेट। ये देखिए मैंने इसको 200 सेट कर दिया, अभी इसको 5 से 7 मिनट में इसका टेम्परेचर आ जाएगा। मैं इसका कुछ मॉडल भी दिखा देता हूँ, मॉडल नंबर ये देखिए 0.12 मीटर चलने की स्पीड है ना, जो मैंने आपको अभी बताया, सिंगल फेज की मशीन है, ठीक है। ये देखिए बाकी मशीन की बैक साइड भी दिखाता हूँ, ये मशीन की बैक साइड हो गया। अब अंदर की भी दिखा देता हूँ, मोटर वगैरह, गियर बॉक्स वगैरह। ये देखिए मोटर भी हैवी है, ये 80 वाट की मोटर है इसमें। ये देखिए ये इसका रिले हो गया, इसका टेम्परेचर कंट्रोलर हो गया, ये इसका फ़ैन हो गया जो कि बेल्ट को और पाउच को ठंडा करता है। अब ये सब आप रोलर देख सकते हैं, इसका सारे रोलर मेटल के हैं, आपको बंद करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए सारे रोलर मेटल के हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें ना प्लास्टिक के लगा देते हैं, जो कि कभी भी टूट जाता है तो दिक्कत आती है। हम मशीन में हैवी देते हैं ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। ये उठाने के लिए होता है मशीन को, आप उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। और अब ये देख रहे हैं कि अभी कन्वेयर अंदर है, आप इसे आगे भी कर सकते हैं अगर आपका बड़ा पाउच चलाना है तो। अब आगे भी आगे करने का मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ये नट है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी एक नट है, इसे आप लूज करके आगे की तरफ कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ, पहले इसको लूज करना होता है। ये देखिए मैंने लूज कर लिया, अब दूसरी साइड भी लूज करना है। मैंने लूज कर लिया, ठीक है। अब इसे देखिए हम आगे कर सकते हैं। ये देखिए बंद में भी कर सकते हैं, चालू में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम इतनी होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब ये कन्वेयर कितना आगे करना है आपको आइडिया नहीं लगेगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप पीछे दिखाता हूँ, ये आप साफ देख रहे हैं ना, ये देखिए साफ, मैं बंद करके दिखाता हूँ, ये साफ देख रहे हैं। अभी और ये आगे जाएगा, इससे आगे नहीं होगा। हाँ बस ये देखिए मैक्सिमम यहाँ तक होना चाहिए, इससे अगर निकल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इतनी आपको चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं इतनी आगे आपका पाउच, मैं बंद करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका यहाँ से पाउच लगेगा, ये देखिए तो आपको 3 इंची ये मशीन से आगे कन्वेयर हो जाएगा, 3 इंची ये हो गया और 9-10 इंच का ये
अपना क्या कहते हैं 6 इंची का इसके कन्वेयर है, तो 9 इंची आप 10 इंची ये आगे आ गया, इतने आगे आप करके चला सकते हैं। वो क्यों चलाना होता है, जैसे कि मैं आपको पाउच दिखाता हूँ, ये तो छोटे पाउच है, छोटे पाउच तो आराम से चल जाते हैं, जब बड़े पाउच होते हैं ना, तो बड़े पाउच के लिए क्या करना होता है, जैसे कि आप ये देख सकती हैं ये बड़ा पाउच है, अब ये बड़ा पाउच चलाना है आपको, तो तब आपको इस कंडीशन में आपको ये आगे निकालना होता है, ताकि आप इस तरीके से आप लगाएंगे ऐसे तो आराम से ये चला जाएगा, तो इसी के लिए ये आगे करना पड़ता है। ये एडजस्टेबल होता है, आप अपने पाउच के छोटा बड़ा के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब एक चीज और दिखाता हूँ, ये मैं वापस अपने जगह पे कर देता हूँ, होम पोजीशन पे ला देता हूँ, पहले इसको लूज करके देखिए आगे। अब ये होम पोजीशन पे आ गया, मैंने वापस इसको टाइट कर दिया, इसको टाइट करना होता है, वरना क्या होता है कि चलने के टाइम ये साउंड करेगा, तो हमने कर दिया। अब एक चीज और है सर, कई बार क्या होता है ना, ये तो बड़े पाउच है ठीक है, इससे छोटे भी पाउच होते हैं, जैसे 2-2, 3-3 इंच के भी पाउच होते हैं, तो अब ये आप देखेंगे तो हीटर ऊपर है, कन्वेयर नीचे है, तो ये कन्वेयर भी एडजस्टेबल होता है, उसके लिए क्या है कि इसको लूज करिए आप, आगे करने के लिए ये किया हमने और ऊपर उठाने के लिए ये लूज किया, ये देखिए ये लूज कर दिया और ये देखिए ऊपर उठ गया, ये ऊपर उठ गया, फिर वापस इसको टाइट कर देंगे, ये देखिए। अब क्या होगा, आपके छोटे पाउच आराम से आप लगा सकते हैं, अभी मेरे पास छोटे पाउच है नहीं तो करके दिखा देता, अब छोटे पाउच क्या हो गए ना, आराम से लग जाएंगे, आप देख सकते हैं आराम से लग गए, ये भी उठा दिया और ये भी थोड़ा बहुत उठता है, ये भी ज्यादा नहीं लेकिन ये भी उठेगा, ये देखिए उठ गया ना, ये देखिए उठ गया, रोक दे वीडियो। अब मैंने ऊपर कर दिया, अब ये इसमें क्या होता है, छोटे पाउच ना आराम से चल जाएंगे, देखिए कन्वेयर चल रहा है ठीक है, अब इसमें क्या होता है छोटे पाउच आराम से लगा सकता है ऑपरेटर, देखिए आराम आराम से उठाया, फटाफट लगा लिए, चलने में कोई दिक्कत नहीं आती, इसे आप आगे भी कर लेंगे तब भी मशीन चलेगी, इसे ऊपर भी कर लेंगे तब भी मशीन चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको होम पोजीशन पे ही कर देता हूँ, देखिए वैसे तो आप चालू में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप बंद करके करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये होम पोजीशन में है, आप मशीन लेंगे तो ऐसा होगा, अब पाउच छोटा है तो इसको उठा लेंगे, बड़ा पाउच है तो ये आप आगे कर लेंगे, ये आपको ऑपरेटिंग के टाइम में पाउच के हिसाब से आपको सेट करना पड़ता है। दूसरा चीज कई बार क्या होता है, जैसे कि 80 माइक्रोन है, आपके पास 100, 150, 200 माइक्रोन के पाउच आएंगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि अब हमने सपोज कि हमने 200 पे हमारा हो रहा है 150 माइक्रोन ठीक है, अगर आपके पास माइक्रोन आ रहा है 70 तो आपको 150 से 100 करना पड़ेगा ठीक है, आप इसे टेम्परेचर को पाउच के थिकनेस के हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा, मोटा पाउच होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, छोटा पतला पाउच होगा तो कम चाहिए, टेम्परेचर हीटर को सेट करना टेम्परेचर से और इसकी स्पीड, ये दोनों आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा पाउच के थिकनेस के अकॉर्डिंग ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपने अगर आपने फुल स्पीड कर दिया, मशीन फुल स्पीड में है और हमने पाउच लगाया सील नहीं किया, आपने पाउच लगाया और सील नहीं किया, तो आप समझ लो कि आपका स्पीड फुल है, आपने टेम्परेचर सेट कर रखा है 150, तो अगर आपने फुल स्पीड में मशीन चलानी है तो टेम्परेचर आपका 150 है, उस पर सील नहीं हुआ तो आपको 200 करनी पड़ेगी, 250 भी करनी पड़ सकती है ठीक है, और या तो आप स्पीड कम कर दो, स्पीड आप कम कर देंगे तो प्रोटेक्शन नहीं निकलेगा, तो मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप फुल स्पीड में चलाना चाहें तब भी मशीन को चला सकते हैं टेम्परेचर को इंक्रीज करके ठीक है। दूसरा चीज़ एक चीज़ और भी है कि हमारा आपको मैंने वो बता दिया, दूसरी चीज़ आपने कई बार गौर करा होगा, पाउच में ना हमारे को मार्जिन कम होती है, छोटे आपके पाउच होंगे जो कि मार्जिन कम होगा, तो अभी देखो मैंने ये लगाया, आपको मैं करके दिखाता हूँ, अभी मैंने ये पाउच लगाया, ये देखिए आपका 2 से 3 mm की मार्जिन है इसमें, ये देखिए 2 से 3 mm मार्जिन है ना, ये देखिए ये हमारी सीलिंग है और इसके आगे 2 से 3 mm की मार्जिन बची है, ये देखिए ये देखिए सील हो गई है। अभी ये मार्जिन आपको और कम करनी है या बढ़ानी है वो चीजें इससे होगा, अब ये कैसे होगा मैं बताता हूँ, अभी देखो आप मैंने यहाँ सेट किया है तो इसको 2-3 mm की मार्जिन आई है,
अगर आपको ये ज्यादा चाहिए मार्जिन तो इसको आपको लूज करना है, इस गाइड को ज्यादा मार्जिन चाहिए ये अंदर हो जाएगा, ठीक है। कम मार्जिन चाहिए ये बाहर हो जाएगा। ये आपको सीलिंग के आगे, पाउच के सीलिंग के आगे कितना आपको मार्जिन रखनी है पाउच में, वो इसके इससे सेट होगा। इससे देखो, अगर ये नहीं होगा तो कई बार पाउच में ज्यादा मार्जिन आ जाएगा, कई बार कम आ जाएगा, इसलिए इसे ये लगाना जरूरी है। ये लगाएंगे आपका एक्यूरेट सारे पाउच में मार्जिन सेम आएगा, चाहे आप जितने पे भी सेट करना चाहें। आगे कर देंगे मार्जिन कम आएगा, अंदर कर देंगे मार्जिन ज्यादा आएगा। तो वह पाउच का कितना मार्जिन चाहिए आप इससे सेट कर सकते हैं। अभी मैंने इसको होम पे कर दिया है। जो स्टैंडर्ड जो होती है वो वही होती है 102 mm मार्जिन पाउच के सीलिंग के आगे, ताकि आप इसे खोल के चेक कर, खुले नहीं, इसलिए आप उसको चेक करने के लिए इतनी तो चाहिए। जैसे कि आप ये देखो, ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो ख़राब भी लगेगा और पाउच भी बड़ा बनाना पड़ेगा आपको, उस हिसाब से आप इसे आप सेट कर सकते हैं। अब ये देखिए, आपको ये मशीन चल रहा है, कई बार क्या होता है ना, गलती से लड़कों से हाथ से ये बंद दब जाने की वजह से मशीन बंद हो जाती है, किसी को समझ में नहीं आती क्यों हो गया बंद। तो कुछ नहीं, इमरजेंसी स्विच है, आप ये देख सकते हैं एरो बना हुआ है, एरो के साइड में आप हल्का सा घुमाएंगे ये खुल जाएगा। ये देखिए, कई बार पाउच लगा रहे हैं, गलत पाउच लग गई, आउट लग गई, मुड़ गया पाउच, तो उसे आप तुरंत बंद करके आप पाउच को अपना ठीक करके वापस इसे आप चला सकते हैं, लेकिन वापस इसे चलाना होता है। ये आपको मैंने ऑपरेटिंग सारा आपको मैंने समझा दिया। एक एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ, कई बार आपके पाउच में ना ऐसा दाने कम आता है, तो उसके लिए ये होता है, ये इससे आपके ये पाउच में दाने इससे भर जाएंगे। वो मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ, ताकि आप देखेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना होता है, मैं मशीन चालू करके कर रहा हूँ, आप मशीन को बंद करके ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये निकाल दिया, अब आपको पूरे दिख रहा है साफ साफ। अब ये देखो, आप इससे मैं नीचे करूंगा, इस रोलर पे प्रेशर पड़ेगा, मैं बंद करके दिखाता हूँ। ये देखिए, रोलर पे ना दाने दाने बने हुए, ये दाने दाने बन रहे हैं। ये देखिए, इससे दबाव बनता है तो पाउच पे वो आ जाता है, दाने दाने बन जाते हैं। इससे हम कम भी कर सकते हैं, फिर वापस में लगा देता हूँ। आप इसे निकाल के भी चला सकते हैं, बंद करके भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बंद करके चलाना, कभी किसी के हाथ नहीं आएगा। और यहाँ पे हाथ मत देना, क्योंकि ये गर्म हुई होती है, ठीक है, मैंने ऑन कर दिया, ये गर्म हुई होती है। एक चीज और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मशीन आपने चला रहे, आपका काम हो गया, मशीन को बंद करना है टोटली, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हीटर बंद करना है। देखिए, आप मैंने हीटर बंद कर दिया, ऑन ऑफ वाले स्विच भी चालू है, पंखा भी चालू है, और वो इसी के लिए कि आपने देखा था ये ब्राउन कलर का बेल्ट है, जो सीलिंग बेल्ट भी कुछ लोग कहते हैं, तो ये बेल्ट ठंडी हो जाएगी तब मशीन को बंद करेंगे, यानी कि 10 से 15 मिनट मैक्सिमम मशीन को चलना चाहिए, कम से कम भी 10 मिनट चलनी चाहिए। वो बेल्ट की लाइफ के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट बंद कर देंगे बेल्ट खराब हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप खाली हीटर बंद कर देंगे, बाकी ये दोनों स्विच ऑन रहेगा, कन्वेयर चलती रहेगी, फैन भी चलता रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं। आप देखिए, ये बंद हो गया ना, ये देखिए, ये बंद हो गया। सबसे पहले आपको हीटर बंद करना है, बीच वाला बटन येलो कलर में होगा, या चाहे कोई और मशीन होगी तो कलर कोई और होगा। हीटर का सिंबल भी देख सकते हैं, इस पर लिखा भी है हीटर। ये देखिए, आप इसे ऑन करते हैं तो इसमें लाइट जल जाता है, ये बंद कर देंगे ये बंद हो जाएगा आपका मीटर। चाहे इसके जगह आपके पास डिजिटल भी हो सकता है, लेकिन फंक्शन ऑलमोस्ट सेम ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आपको हीटर बंद करना होता है, स्पीड भी फुल चलती रहेगी, कन्वेयर की स्पीड में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10 से 15 मिनट के बाद आपको मशीन को टोटल बंद कर देनी है। बाकी सिंगल फेज की मशीन है, आप देख सकते हैं, घर ऑफिस कहीं भी आप चला सकते हैं। ये देखिए, एक मीटर की वायर आती है, आप देख सकते हैं, इसमें मैंने पानी डाला है। अब इसको पानी, किसी भी लिक्विड पाउडर, कुछ भी स्पेयर्स, आप इसके अंदर कुछ भी दाल चावल आटा कुछ भी पैक कर सकते हैं। मशीन को इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसके अंदर क्या, आजकल आइस क्यूब भी लोग इसमें पैक कर रहे हैं, आइस क्यूब सर्फ भी पैक कर सकते हो आप इसमें, चाहे वो कोई मॉइस्चर का चीज हो या कुछ सूखा आइटम हो, कुछ भी आप पैक कर सकते हो। आप देख सकते हो, मैंने पानी पैक कर रहा हूँ,
मैं आपको पानी पैक करके दिखा रहा हूँ। देखिए लगा के छोड़ देना है आपको, सिर्फ लगा के छोड़ देना है। ये देखिए लगा के छोड़ दिया मैंने। अब ये देख सकते हैं सीलिंग, ये देखिए सीलिंग देख रहे हैं। अब मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, यहाँ पे रखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखिए मैं दबा रहा हूँ, ये देखिए, देखिए पानी है, जरा सा भी कहीं से लीक नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैं खूब प्रेशर दे रहा हूँ, ऐसे भी दिखा दिया, मैंने खोल के भी देखता हूँ कि अच्छे से सील हुई या नहीं हुई। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पाउच खींच गई, ये देखिए पाउच खींच गई, लेकिन सील नहीं खुला। ये होती है अच्छी मशीन की। बाकी आप कहीं और से लेते हैं ना, तो उसमें मशीन में क्या होता है, खुल जाता है। यहाँ पे जैसे रखेंगे फच यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। ये जो अच्छी क्वालिटी की मशीन होगी वो इन चीज़ों में काफ़ी बेहतर होगी। ये देखो सर, आप 10 mm की सिलाई है इसकी, आप ये देख सकते हैं कितनी चौड़ी सिलाई है, 10 mm की सिलाई है। बाकी किसी मशीन में आप देखेंगे तो 7 से 8 mm की सिलाई होती है, 6 mm की सिलाई होती है, जो कि कई बार खुल भी जाती है। ये देखो आप, ये देखो, ये देखो,